जन सेवा क्रांति पार्टी ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों के उतारने की घोषणा की। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकित अलग ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुनहरे भविष्य के लिए राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार के उतारने का फैसला किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में हम पूरे दमखम के साथ कुछ गंभीर मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था एवं रोजगार, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, नियमित बदलाव एवं सुधार की आवश्यकता है। हरियाणा में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें वर्गों को समान शिक्षा का अधिकार मिले, जो भारत के संविधान में निहित किया गया है। रोजगार के समुचित अवसर मिले, जिससे जीवन यापन में आसानी हो। योगेश कटारिया जी, हमारे संस्थापक एवं अध्यक्ष अंकित अलग जी, संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव, हमारे वैभव जैन जी जो हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, अमित तनेजा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व जिनको दिया गया है, उसके साथ में संदीप शर्मा जी, और पीछे हमारे मित्र बैठे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्रवीण खत्री जी, नितिन मनोचा जी, विकास अरोड़ा जी, रमन मिश्रा जी, स्वाति ग्रोवर जी, दिनेश श्रीवास्तव जी और संदीप जावा जी, जो सभी गुरुग्राम विधानसभा के अलग अलग पदाधिकारी हैं। हम इस प्रेस वार्ता को दो भागों में करेंगे। पहले मिनट हमारे संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकित अलग जी संबोधन करेंगे, कैसे ये यात्रा शुरू हुई और क्या हरियाणा में अगले 2 से 3 साल में पार्टी करने जा रही है और किस मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आज इस प्रेस वार्ता में आपके सामने अनाउंस करी जाएगी। तत्पश्चात हम दूसरे भाग में प्रश्नावली या फिर क्वेश्चन एयर कर सकते हैं, आप जो प्रश्न पूछेंगे हम उनका आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष अंकित अलग जी अपना संबोधन। सबसे पहले जो मेरे पत्रकार बंधु भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, और जो भी आयोजन यहाँ जिन्होंने भी किया है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है। आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग, चाहे वो राष्ट्रीय टीम की तरफ से बैठे हों, चाहे वो प्रदेश के लोग हों, चाहे वो गुरुग्राम विधानसभा के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ संगठन की संरचना को मद्देनजर रखते हुए पद दिए गए हैं, लेकिन सभी के सभी लोग जनसेवक हैं, गुरुग्राम से हैं, फरीदाबाद से हैं, रेवाड़ी से हैं, अंबाला से हैं। जिस चीज के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और जिस प्रेस वार्ता को हम संबोधित करने जा रहे हैं और जो विषय है कहीं ना कहीं वो राजनीति से संबंधित है। ये वो चीज है जो हमारी हर चीज तय करती है, चाहे देश के नियम, देश के कानून, हमारे खर्चे, हमारी कमाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, और इसी चीज से हम सभी लोग कहीं ना कहीं दूर भागते आ रहे हैं। जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी राजनेता आए हैं, जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, जितने भी उन्होंने परिवर्तन लाने के लिए जो भी घोषणाएं कही हैं 75 सालों में, आज वो जनता की उम्मीदों से बिल्कुल दूर है और आम जन की उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है राजनीति से। तो कुछ लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको लगता है राजनीति में अहम भूमिका बुद्धिजीवियों की होनी चाहिए, शिक्षित लोगों की होनी चाहिए, वो लोग आपके समक्ष आ जाए हैं। हमारे देश में हमेशा कहा जाता है कि नए राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकारें काम कर रही हैं। कैसे भारत मजबूत होगा, कैसे एक राष्ट्र मजबूत होगा, जब तक उसकी आंतरिक जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसका समाधान नहीं निकलेगा। अब इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन वास्तविक मुद्दों पे आज हम चर्चा विहीन है, इन पे हमें भटकाया जा रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है, युवा शक्ति के नाम पे खेला जा रहा है,
तो आपके समक्ष जो लोग बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन्होंने ठाना है कि अगर राजनीति का नया स्वरूप बदलना है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा करना है, तो शिक्षित लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना होगा। ना सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में चर्चा करने के अलावा आपको रोड पे उतर के आपको सवाल पूछना होगा, सही को सही और गलत को गलत कहना होगा, और इसको कहने की हिम्मत आज जनता में नहीं है, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने सभी जनता जनार्दन को अपना अनुयायी, अपना समर्थक बना दिया है। वो चाहते ही नहीं कि जनता शिक्षित हो, जनता सवाल पूछे। तो जनसेवा क्रांति पार्टी, जैसा कि हमारे महासचिव जी ने बताया कि इसकी यात्रा 3 सितंबर 2021 से आरंभ हुई है। 3 सितंबर 2021 को हमें भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पंजीकरण प्राप्त हुआ है, जो एक प्रक्रिया थी, और इस प्रक्रिया को करने में तकरीबन हमें 1.5 साल का वक्त लगा। और गत 2 वर्षों में जो भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे बीच आई, हमारे विश्व में आई, हमारे देश में आई, हमसे उन्हें, हम लोगों को काफी सीखने को मिला, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही थी तो उस समय ह्यूमैनिटी भी बढ़ी। जो उम्मीद आम जन को सरकारों से थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो हर जन ने एक दूसरे की सेवा की और नाम आया जनसेवा। आज जनता पिछले 75 सालों से सत्ता परिवर्तन करती आ रही है, लेकिन आज सच में जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हर जन को सवाल पूछना होगा अपने चुने हुए प्रतिनिधि से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले जो वैश्विक महामारी आई, जनता को यह एहसास हो गया कि जिनसे उनको उम्मीद थी वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो हर जन ने एक दूसरे की सेवा की, और एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे देश में जो चीज सब कुछ तय करती है उस राजनीति में बहुत ही कम परसेंटेज है पढ़े लिखे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की। क्योंकि हम सब लोग हरियाणा से हैं और हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से हैं, हम सबने गुड़गांव को गुरुग्राम बोलते देखा है। तो एक संकल्प लिया गया कि एक नए विकल्प के रूप में आना होगा, व्यवस्था का परिवर्तन करना होगा, राजनेताओं से सवाल पूछना होगा, सही को सही कहना होगा, गलत को गलत कहना होगा। तो जब ये निर्णय लिया गया तो चैलेंज भी बहुत था, संघर्ष भी बहुत था कि कैसे होगा, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड पार्टियां हमारे बीच में हैं, कैसे उनसे लड़ाई की जाएगी। ये ठाना गया कि जनता को जागरूक करना होगा, जनता को बताना होगा, जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा, जनता को उनके कर्तव्यों से अवगत कराना होगा, जो अभी तक की सरकारें करने में सक्षम नहीं हो पाई। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जनसेवा क्रांति पार्टी को रजिस्टर्ड कराया, और आने वाले आगामी जो 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें हम लोग अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। और उससे पहले, चूंकि हम गुरुग्राम से हैं, फरीदाबाद से हैं, तो जो भी निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि प्रतिनिधियों की शुरुआत नीचे से ऊपर होती है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, तो उन सब के लिए, उन सब चुनावों में हम लोग हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है आज हमारे पास हमारी सेना ना हो, लेकिन इन 2 सालों में हम जनता को जागरूक करेंगे, आम जन को अपने साथ जोड़ेंगे। और आप लोग पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा में किन किन चीजों की कमी है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो रोजगार की हो। हरियाणा इंडेक्स में हर तरफ से पीछे है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। मेरे पास कुछ डाटा भी है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम हर चीज में पीछे हैं। अब सिर्फ चर्चा करते रहें इससे कुछ होगा नहीं, तो कोशिश ये की पढ़े लिखों को आगे लाया जाए, और ना सिर्फ समस्याओं की चर्चा की जाए, कुछ समाधान भी निकाला जाए। एक मूल सवाल बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग में आता है कि कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता मंच पे आके झूठे वादे करके
लुभावने प्रलोभन देकर चुनाव को जीत जाता है, लेकिन वो 5 साल अपने उस पीरियड को एंजॉय करता है, 5 साल जनता के बीच में नहीं जाता है और जनता सिर्फ नुक्कड़ पे ड्राइंग रूम में उनकी चर्चा करती ही रह जाती है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से एक मांग हम लोग करना चाहते हैं। ये मांग कोई नई नहीं है, इस विषय में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, क्योंकि तो जैसे हम सब लोगों के पास एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वोट डाल सके, राइट टू वोट का हमारे पास अधिकार है। क्या हमने कभी सोचा है कि जिसको हम चुनके बना देते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या किया जाए? हम लोग 5 साल का इंतजार करते हैं। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।